नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज़। मुरादाबाद के आईएफटीएम विश्वविद्यालय के 5 शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में हुए सम्मानित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से डॉक्टर अरुणा मिश्र, वही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक दिवस पर डॉक्टर नवनीत वर्मा, डॉक्टर अमृता मिश्रा, डॉक्टर वैभव त्रिवेदी, डॉक्टर आर के यादव, आयुषी भारद्वाज को मिला सम्मान। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम पी पांडे ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के शिक्षक कर रहे हैं नाम रोशन। इधर जनपद के मुरादाबाद भोजपुर अंतर्गत ग्राम काफिया बाद में सुरेंद्र सिंह नामक व्यक्ति की हत्या में निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किए जाने की मांग को लेकर आरोपी पक्ष के लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, पीड़ित पक्ष द्वारा रोहित नामक युवक का झूठा नाम केस में किया जा रहा है शामिल। SSP से सुरेंद्र हत्याकांड की निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग। इधर प्रधानमंत्री की शुरू ही मात वंदन योजना के लिए प्राप्त किए गए जिले भर से 3,000 से भी अधिक आवेदन, जल्द ही मिलेगा लाभार्थी महिलाओं को लाभ। CMO डॉक्टर MC गर्ग ने कहा, पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं के लिए शुरू की गई है अधिक लाभकारी योजना। इधर आज विकास भवन में गोविंद वल्लभ भाई पंत जी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन। इधर आज दलित एकता मंच भारत के एक प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम काफियाबाद में दलित युवक सुरेंद्र सिंह की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की उठाई मांग। पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की भी उठाई मांग। इधर उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को उनकी जयंती पर किया गया याद। जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने उनके चित्र पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित। अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम में पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत को किया गया याद। इधर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान पर प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। TMU क्रिकेट प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर किया प्रतिभाग। IPL की तर्ज पर क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है काम। 22 सितंबर को टूर्नामेंट का होगा समापन। इधर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधी पार्क के मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम हुए आयोजित। प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को बताए जा रहे हैं उनके अधिकार। कार्यक्रम में नगर के क्षेत्र के विद्यालय की शिक्षिका भारी संख्या में रहे मौजूद। इधर जिला अस्पताल में पाए गए डेंगू के 2 मरीज। मुरादाबाद जिला अस्पताल में हर रोज 20 से 25 बुखार से पीड़ित मरीजों की जा रही है जांच, जिसमें 2 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में मचा हड़कंप। एडिशनल CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया, इस समय बरसात के मौसम में लोगों को ज्यादातर बुखार की शिकायत हो जाती है, ऐसे में लोग परेशान न हो और बुखार का इलाज कराएं। इधर पुलिस अस्पताल के सामने चलती कार में लगी आग से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर सर्विस और पुलिस, आग पर पाया काबू। जलती कार देखकर राहगीरों में मचा हड़कंप। आग बुझाने के बाद ली राहत की सांस। इधर मुरादाबाद की थाना डेलारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ लिया हिरासत में। पुलिस गिरफ्त में आए सुल्तान और इदरीस डेलारी थाना क्षेत्र के हैं शातिर अपराधी। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर 3 बाइक, 1 लैपटॉप और 20 मोबाइल किए बरामद। गैंग का एक शातिर अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से है दूर। डिलारी पुलिस ने किया शातिर गैंग का पर्दाफाश। इधर मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित RSD अकेडमी में 9वीं UP गर्ल्स बटालियन NCC की ओर से जागरूकता कार्यक्रम हुए आयोजित। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को बताए गए उनके अधिकार। इधर मुरादाबाद रेलवे डिवीजन अवैध वेंडर के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची काशी विश्वनाथ ट्रेन में टिकट चेकिंग स्टाफ ने चलाया चेकिंग अभियान, मिली बड़ी सफलता। ट्रेन में मानक के अनुरूप बेची जा रही थी नकली पानी की बोतलें। चेकिंग स्टाफ ने पानी की बोतलों के 72 कर्मचारियों को पकड़ा। इधर मुरादाबाद के अगवानपुर नगर पंचायत के पास वनस्थली बालिका इंटर कॉलेज के पास फैली गंदगी और टूटी सड़कें होने के कारण समस्या। स्कूल के पास खराब रास्ता होने की वजह से छात्राओं को होती है परेशानी। क्षेत्रीय सभासद पर लगाया लापरवाही का आरोप। इधर गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुरादाबाद के नवापुरा स्थित पंचायती मंदिर में 9 दिन के लिए गणपति जी विराजमान किए गए। शंख की गूंज, जयकारों और ढोलों की थापों के साथ गणपति जी को भ्रमण कराकर मंदिर में विधि विधान के साथ विराजमान किया गया।